केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद लिया अहम फैसला। 2024-25 में भी दिल्ली वालों की बिजली रहेगी मुफ्त, आएंगे जीरो बिजली के बिल। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैबिनेट बैठक की, जिसके बाद एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के अनुसार 2024-2025 में भी दिल्ली वालों के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी, यानी कि लोगों के बिजली बिल जीरो आएंगे। साथ ही साथ वकीलों, 1964 के दंगा पीड़ितों और किसान के लिए भी बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। इस बात की जानकारी आज कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दी है। आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरह अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार लोगों को फ्री बिजली मुहैया करवा रही है और वो 2024-2025 में भी लोगों को फ्री बिजली मुहैया करवाएगी। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बताया कि किस तरह पिछले कई सालों से बीजेपी ने दिल्ली वालों की मुफ्त बिजली रोकने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इनसे लड़कर ऐसा नहीं होने दिया। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसे भाजपा के द्वारा रोकने की कोशिश नहीं की गई हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों से अपना वादा पूरा करके रहते हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 2024-2025 में भी दिल्ली वालों को फ्री बिजली मिलते रहेगी, यानी कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और 200 से 400 यूनिट तक आधी बिजली बिल रहेगी। वहीं वकीलों, 1984 दंगे के पीड़ितों और किसानों के लिए भी बिजली सब्सिडी मिलते रहेगी। अब आइए पहले सुनते हैं कि आतिशी ने क्या कुछ कहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ना सिर्फ वादा है, बल्कि एक ऐसा वादा है जो लगातार 9 साल से हम पूरा करते आ रहे हैं। दिल्ली एक लौता राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है और उसके बावजूद 22 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको हमारे विरोधी रोकने की कोशिश नहीं करते। साल दर साल, हर साल जब भी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उनके हित में कोई फैसला लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विरोधी हर संभव प्रयास कर देते हैं उस काम को रोकने का। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब बिजली की सब्सिडी आने का समय आया था तो कितनी कोशिश हुई थी हमारे विरोधियों द्वारा उस सब्सिडी को रोकने की। एक समय तो ऐसा भी आया था जब हमें ये घोषणा करनी पड़ी थी कि आज के बाद जीरो बिजली बिल समाप्त हो जाएंगे। इस साल भी पिछले एक महीने से लगातार इन लोगों ने हर संभव प्रयास कर लिया कि आने वाले वर्ष 2024-25 में दिल्ली वालों का जीरो बिजली का बिल ना आए और किसी तरह से केजरीवाल सरकार की सब्सिडी रुक जाए। इन्होंने अफसरों को बुलाया, अफसरों को धमकाया, पूरी कोशिश कर ली कि दिल्ली वालों के जीरो बिजली के बिल रुक जाए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब एक बार दिल्ली के लोगों को वादा कर दिया तो फिर उन्हें जो भी करना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जिसके आगे हाथ जोड़ना पड़े, जिससे लड़ाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों को अपना वादा पूरा करके रहते। और आज मुझे सभी दिल्ली वालों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल मिलते हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती है, वो 2024-25 में भी जारी रहेगी, उसका फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। तो जिस तरह अभी तक 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे, जो सब्सिडी दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को, 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको जिस तरह से सब्सिडी पिछले वर्ष 2023-24 में मिलती आई है, उसी तरह से आने वाले साल में भी सब्सिडी मिलती रहेगी, दिल्ली वालों का बिजली का बिल जीरो आता रहेगा। और अब ये पॉलिसी
31 मार्च 2025 तक पास कर दी गई है। धन्यवाद। तो सुना आपने, किस तरह आतिशी ने बताया कि केजरीवाल सरकार के द्वारा साल 2024-2025 में भी दिल्ली वालों को फ्री बिजली मिलती रहेगी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की खबर देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।